ओके गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मेरी आपसे बातचीत अभी चल रही थी, हम लोग अभी YouTube पे भी लाइव हैं और उम्मीद करेंगे कल से Facebook और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम लोग लाइव हो जाएं। ठीक है, अभी जो हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हम टॉपिक जिस पर पहुंचे हैं वो है महात्मा गांधी। समझे? अब महात्मा गांधी के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब पूरा हिंदुस्तान, क्या लगभग लगभग पूरी दुनिया आज के दिन गांधी जी के ऊपर बात कर रही है और गांधी जी की रेलेवेंस के ऊपर बात कर रही है, गांधी जी की प्रासंगिकता के ऊपर बात कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता के ऊपर अगर गांधी जी की बात की जा रही है तो गांधी जी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत के अंदर आज के दिन भी, यानी अप्रॉक्सीमेट 70, 75, 80 ईयर्स के बाद भी अगर आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो, अगर आप लोग देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप गांधी जी को देखते हैं, गांधी जी के बारे में कुछ भी अगर आप करते हैं तो गांधी वॉज एन अल्टीमेट पर्सनैलिटी। गांधी अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर शायद ही कोई इंसान ऐसा रहा हो, पूरी दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा रहा हो जो किसी भी सिचुएशन में अगर वो थोड़ा सा भी अवेयर है तो वो गांधी के बारे में ना जानता हो। भाई अगर कोई है ही गूढ़ बुद्धि तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन गांधी एक इस तरीके की पर्सनैलिटी जिन्होंने दुनिया से बिल्कुल अलग हटके वो रास्ता अपनाया, और वो रास्ता इस तरीके से अपनाया कि हद से ज़्यादा, मतलब आज भी वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रासंगिक है। अगर आज की दुनिया के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आप ढूंढ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग ढूंढ रहे हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, उन सभी प्रॉब्लम्स की जब मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो, चाहे आप फिलिस्तीन इशू लें, चाहे आप दुनिया के दूसरे भी कॉन्फ्लिक्ट्स, और खासकर जहां पर डिक्टेटर्स वगैरह मौजूद हैं, जहां पर डिक्टेटर्स वगैरह मौजूद हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको गांधी जी के पास या गांधी जी की फिलॉसफी में मिल जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में गांधी जी को किसी भी सिचुएशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये पक्की बात है। ऐसे में गांधी जी को किसी भी तरीके से या किसी भी सिचुएशन में इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर उन्हीं के बारे में सारी की सारी सिचुएशंस को देखने वाले हैं कि असलियत में गांधी जी किस तरीके से क्या आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज रही, कैसे उनका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ, क्या पैदा होने या एक तरीके से जो उनका व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट था, क्यों क्या वो बचपन से ही इस तरीके का था या सिचुएशंस यानी परिस्थितियों ने उन्हें बदल के रख दिया। जब ये सारी सिचुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी, जब ये सारी सिचुएशंस डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी या समझना शुरू कर देंगे, तब उसके बाद आप दुनिया के किसी भी पर्सनैलिटी के साथ गांधी जी का कंपैरिजन करेंगे।
और उसके बाद जब ऐसे ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो गांधी जी का कंपैरिजन होता है। अब गांधी का अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन अगर गांधी जी का किसी के साथ होता है तो वो अंबेडकर के साथ होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी जी का सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है। उसके बाद गांधी जी का अगर आप कंपैरिजन करते हैं उनके बाद, तो कहीं ना कहीं बहुत ही हल्के लेवल पर भगत सिंह और गांधी जी की फिलॉसफी के ऊपर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि असलियत में दोनों कहाँ खड़े थे और जो नेशनल मूवमेंट था उस नेशनल मूवमेंट को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया या किस तरीके से वो नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते थे या कुछ भी था। और तीसरी सिचुएशन अगर आप गांधी जी के बारे में देखते हैं, अगर आप गांधी जी के बारे में तीसरी सिचुएशन देखते हैं तो थर्ड सिचुएशन जो तीसरी परिस्थिति या तीसरी सिचुएशन थी वो ये है कि गांधी जी को आप किस वे में अगर आप लेके जाते हैं तो मॉडर्न सिनारियो को आपको देखना पड़ेगा, यानी मॉडर्न पीरियड या प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि क्या गांधी जी प्रेजेंट टाइम के अंदर रेलेवेंट हैं या नहीं है, उनकी प्रासंगिकता है या नहीं है। और यही आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्स वे में लेके जाएगा कि गांधी जी असलियत में थे क्या, किस तरीके से थे और सब चीज़ें। तो गांधी जी को अगर आप समझते हैं तो गांधी की पूरी फिलॉसफी, गांधी जी तो अगर आप इन्हें पूरा का पूरा उठाकर देखें तो मैं इन्हें बहुत मोटे तौर पर चार फेजेस में या पांच फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं कंफर्टेबल जोन की फॉर्म में, अलग अलग लेवल पर। सबसे पहले गांधी जी का जो सबसे पहला पार्ट था, जो आप देखते हैं जो लाइफ का सबसे पहला फेज 1893 से शुरू होता है। और कभी भी आप समझ लीजिएगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपको एक चीज अच्छे से समझ में आती है और वो ये, हिस्ट्री में आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बहुत से बच्चे जो हैं वो डर रहे होते हैं कि डेट्स वगैरह कैसे याद करें या क्या करें। जब बच्चा डर रहा होता है कि डेट्स कैसे याद करें या क्या करें क्या नहीं करें, तो उसमें सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को समझ लीजिए। डेट्स कभी एक दिन में याद नहीं होती और डेट्स को याद करने का तरीका है। और मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूँ कि आप ये क्लासेस अटेंड करेंगे तो गांधी और गांधी से रिलेटेड डेट्स और फैक्ट्स आपको कहानियों की फॉर्म में इस तरीके से याद करवा दिए जाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी की पूरी जो क्लास की सीरीज है इसे जब तक ये कोरोना पीरियड है तब तक यूट्यूब पे डाल दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट है वो कभी इधर उधर भटके ना या प्रॉब्लम में ना आए। आज थोड़ा सा क्लास जो है वो स्टार्ट होने में थोड़ा डिले हो गया है, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे 7 बजे इस क्लास को स्टार्ट करें और लगभग 8 बजे तक चलाएं, ठीक है। अब आप यहां देखिए 1893, ये इंडिया, मतलब ये काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि बहुत सारी पर्सनैलिटीज, चाहे एनी बेसेंट इंडिया आए या फिर क्या नाम है गांधी जी इंडिया छोड़कर गए, तो ये सारी की सारी 1893 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है बहुत सी बुक्स में कि उस पर्टिकुलर ईयर में हुआ क्या था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां देखते हैं 1893 में, तो गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। इसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसे देखते हैं कि छोटा सा पार्ट है। गांधी जी वहां दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी होते थे, उन व्यापारी के दरबार, मतलब उन व्यापारी का एक कोर्ट में केस था, उस केस की हियरिंग के लिए गांधी जी गए। शुरुआत में सिर्फ 20-22 दिन के लिए गए, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 20-22 20-22 डेज के लिए गए, लेकिन बाद में अगर आप देखें तो वो कॉन्टिन्यूसली जो हैं वहाँ पर काफ़ी साल के लिए रह गए और 22 दिन के लिए गए। और बहुत जगह पर लिखा है कि अप्रॉक्सीमेट 22 साल 22 ईयर्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में बिता दिए, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में बिता दिए। 1893 से जो उनका काम वहाँ शुरू हुआ वो 9 जनवरी 1915 में भारत लौट कर आए तब पूरा हुआ।
9 जनवरी 1950, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत पहुंचे, वापस लौट के आए। यहीं से आपको समझना जरूरी है कि मामला असलियत में है क्या। यहां ये फ्लोचार्ट याद करना जरूरी है कि गांधी रीच्ड इंडिया, गांधी भारत पहुंचे, गांधी रीच्ड इंडिया, गांधी भारत पहुंचे। और जैसे ही गांधी भारत पहुंचे, व्हेन गांधी रीच्ड इंडिया, इसका अगला जो फेज है वो ये है कि यहाँ गांधी जी आते ही पूरी सिचुएशन को समझते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट चालू करते हैं और सब चीज़ें। तो मैं मोटा मोटा मानकर चल रहा हूँ कि 1944 तक, हालांकि बीच में 3 फेजेस और हैं जो टाइम आने पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका जो एक फेज है वो 1915 से शुरू होता है और 1944 तक चलता है। और यहाँ ये थे लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस पूरे फेज में, इस पूरे काल में गांधी जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे थे। ही वॉज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे, व्हेन ही इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे, तो उसके बाद असलियत में होल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स रिवॉल्व्ड अराउंड हिम, इंडियन पॉलिटिक्स रिवॉल्व्ड अराउंड हिम। पूरी की पूरी जो भारतीय राजनीति थी वो इनके इर्द गिर्द घूमे। क्यों? क्योंकि सम पीपल यूज टू हेट हिम, कुछ ऐसे थे जो उनसे नफरत करते थे और इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि हद से ज्यादा। अगर आप लॉर्ड विलिंगडन को देखें, तो लॉर्ड विलिंगडन जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने एक बार कहा था कि ही इज अ कंप्लीट नॉनसेंस, गांधी जी जो हैं वो पूरे तरीके से एक न्यूसेंस है, नॉनसेंस तो नहीं, न्यूसेंस है, एक तरीके का सरदर्द है जो हर टाइम अंग्रेजों के सर पे बना रहेगा। यस, ही वॉज अ कंप्लीट न्यूसेंस टू ब्रिटिशर्स, सरदर्द था। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा उनके बारे में, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जब इतिहास इन पन्नों को पलट के देखेगा तो दुनिया को बहुत आश्चर्य होगा कि इस तरीके का कोई इंसान, इस तरीके का कोई प्राणी, इस तरीके का कोई इंसान, इस तरीके का कोई प्राणी इस धरती पर कभी चलता था, इस धरती पर इस तरीके का कोई इंसान या इस तरीके का कोई प्राणी चलता था, यह देखकर दुनिया को बहुत अचंभा होगा। समझे? तो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो गांधी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि उन्हें एक तरीके का स्टेट्समैन बना दिया, युग पुरुष बना दिया, और दूसरी तरफ लॉर्ड विलिंगटन जैसे लोग हैं जो उनको सरदर्द से ज्यादा कुछ नहीं समझते। और यही एक रीजन है दोस्तों, जब दोनों के बीच में आपको देखना होता है तो बहुत से ऐसे हैं जो गांधी से हेट करते हैं और बहुत ऐसे हैं जो गांधी को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। बट अगर कोई ये कहेगा कि गांधी जी को इस पीरियड में कोई इग्नोर कर सकता था, तो इस पीरियड में गांधी जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था, गांधी जी को इस पीरियड में कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, कोई भी गांधी जी को इस पीरियड में, इस काल में नजरअंदाज नहीं कर सकता था, यह समझ लीजिए। तो इस लेवल की इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी गांधी जी थे, इस लेवल की इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे गांधी जी, यू कांट इग्नोर हिम, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप आगे देखें, 1944 से लेकर 1948 तक, 1944 से लेकर 1948 तक ये गांधी जी के जीवन का अंत काल था, लास्ट 4 ईयर्स, जो सबसे ज्यादा चैलेंज टू एवरीवन, ये काल सबके लिए चुनौती था, उसमें गांधी भी थे
और उनमें अदर्स भी थे, और गांधी दूसरों पे और दूसरे गांधी जी पे एक बोझ थे, एक लोड थे, जो कि सरदर्द बने हुए थे। गांधी जी दूसरों पे और दूसरे गांधी जी पे सरदर्द बने हुए थे। और ये जो पीरियड था, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, आयरनी भरा पीरियड था, और गांधी जी इसमें बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रेशर वाली जिंदगी जी रहे थे। एंड इन द एंड, एट द एंड, नाथूराम गोडसे एपिसोड, जो नफरत करने वाला एक डोमिनेट करता है गांधी जी को, मतलब वहां आता है और गोली मार देता है, और उसके बाद भी क्या ये डिबेट खत्म होती है? तो आंसर है नहीं। उसके बाद भी ये डिबेट कभी खत्म नहीं होती और हमेशा बनी रहती है कि काश गांधी जी होते या काश गांधी जी ना होते। और ये अगले, आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटिक्स टुडे आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड गांधी। आज भी अगर आप हिंदुस्तान की राजनीति को देखेंगे तो वो गांधी जी के आसपास घूम रही है। आज की पॉलिटिक्स को भी अगर आप देखेंगे तो वो गांधी जी के आसपास घूम रही है और जबरदस्त लेवल पर घूम रही है। तो यहां आपको अब समझना है कि गांधी जी और इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे क्या किया जाए या किस तरीके से। तो अगर आप बर्थ की फॉर्म में देखेंगे कि गांधी जी का जन्म, और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी को इस दुनिया में पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्तित्व को इस दुनिया में अगर आप पढ़ेंगे, तो इतना समझ लीजिए वो जो पर्सनैलिटी है, वो जो व्यक्तित्व है दुनिया में, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके बर्थ के टाइम पर, उसका बर्थ के टाइम पर यानी जन्म के समय पर, उसके चारों तरफ माहौल कैसा था, किस माहौल में वो पला बढ़ा, यानी 14, 15, 16 साल की उम्र तक वो किस तरीके से पले बढ़े, और उसके बाद वो किस तरीके से उनका बाकी की जिंदगी गुजर रही है, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, उस पर्सनैलिटी के बारे में आप कभी भी अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाओगे। और दुनिया जो है वो एनालिसिस का नाम है। जो आगे आगे आपको दुनिया बता के सामने आपने प्रेजेंट होना है, तो वो एनालिसिस के बिहाफ पर ही प्रेजेंट होंगे। अगर आप एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाए तो आप आगे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है। तो इसलिए समझिए, सारा खेल जो है वो एनालिसिस का है। और किसी भी पर्सनैलिटी का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे या बुरे ख्यालों की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भैया इतना समझ लीजिए उसके लिए आपको उसके जन्म से कैसे वो बड़े हुए, किस तरीके से हुए, उनके बारे में जानना आपको जरूरी है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या उनके बारे में सोच समझ नहीं पा रहे हैं, तो गारंटी की बात है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके बारे में, उस पर्सनैलिटी का अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप गांधी जी के बारे में देखते हैं तो गांधी जी बहुत ही, और मैं इसलिए नहीं कि कोई फैक्ट्स वगैरह लिखवा रहा हूं, मुझे फैक्ट्स से मतलब नहीं है, मैं कोई एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल या पटवारी लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा। यहां पर भी मेरा जो मेन फोकस है, हालांकि कोई भी सुनो, मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता और ना मैं करने वाला, जितना ज्ञान बढ़ेगा लोगों का उतना अच्छा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को मैं फैक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ उस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। कंसेप्ट क्या है कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ? एक अपर क्लास फैमिली में, अपर क्लास फैमिली में, एक उच्च वर्ग के परिवार में, उच्च वर्ग का परिवार जो रेप्यूटेटेड था। यहां गांधी जी जो उच्च वर्ग के परिवार में हैं, तो वो राजकोट के दीवान थे और आसपास की दीवानी रियासत, आसपास की दो रियासतें जो हैं वो उनके अंडर में आती थी। राजकोट के दीवान थे और आसपास की दो रियासतें उनके अंडर में आती थी। अगर आप यहां दीवान देखें तो ये एक रेप्यूटेटेड फैमिली थी, यानी बहुत ज्यादा इनका सम्मान इनके यहां पर होता था।
अब जिस इंसान को सम्मान के अंदर रहने की आदत हो तो वो एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और एक इंसान जो शुरू से अपमान की हालत में पैदा हुआ हो वो हमेशा अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होगा। और यही रीजन है गांधी और अंबेडकर दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ध्रुवों की पर्सनैलिटी है। गांधी और अंबेडकर के बारे में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस ये नहीं कर सकते कि गांधी एक तरफ है और नेहरू एक तरफ, मतलब गांधी और अंबेडकर दोनों कहीं पर आकर सेम ठहरते हो, नहीं। एक तरफ गांधी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो गांधी असलियत में एक बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी के अंदर पैदा हुए, अपर क्लास में पैदा हुए, जहां पर गांधी के जो पिताजी थे वो राजकोट के दीवान और उसके आसपास की दो रियासतें भी उनके कहे अनुसार ही चलती हैं। समाज में रुतबा ऐसा बहुत बड़ा, पैसा इतना बहुत ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई लंदन कोई इंसान जाकर पढ़ाई कर रहा है तो सोच कर देखिए परिवार के पास पैसा होगा। दूसरी तरफ अंबेडकर जिन्हें स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल में जाना पड़ रहा, उसके अंदर अपनी दरी या बोरी लेके जानी पड़ रही है, जहां पर वो बैठ के पढ़ेंगे पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है अंबेडकर को, तो पर्सनैलिटी के बीच में डिफरेंस आपको साफ नजर आ जाएगा। पर्सनैलिटी के बीच में डिफरेंस अंबेडकर और गांधी के बीच में आपको डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा, दोनों की पर्सनैलिटीज किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग थी। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं यहां पर, तो अपर कास्ट बहुत ज्यादा, मतलब अपर कास्ट में थे और एक जिसे कहते हैं बनिया फैमिली में पैदा हुए थे। अगर बनिया फैमिली में पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में पैसे वाले, ऊपर से अपर कास्ट, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें क्या सोसाइटी के हर वर्ग का, क्या समाज के हर वर्ग का पता होगा? क्या इन्हें अपमान का पता होगा? क्या इन्हें प्रॉब्लम्स का पता होगा? जहां घर में नौकर चाकर हैं, सब कुछ हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें अपमान तो दूर की बात है। और यही रीजन है, फैमिली को समझिए, क्योंकि ये अपर कास्ट थे, क्योंकि ये पैसे वाले थे, अपर क्लास थे, इन्होंने कभी किसी का अपमान सहन नहीं किया था, बहुत ही लाड प्यार में पले बड़े थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, बहुत ही जिसे कहते हैं रूढ़िवादी परिवार से थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब गांधी जी को किसी ट्रेन में से फेंका जाएगा तो कितना अपमान इनको महसूस होगा, ये आज थोड़े कैमरे में डिस्टरबेंस है, उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा और क्लास भी प्रॉपरली होगी, ठीक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए दोस्तों कि गांधी की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। गांधी की पर्सनैलिटी असलियत में डेवलप हो रही है इस बिहाफ पर, कि वो बहुत अपर कास्ट में है, अपर क्लास में है, पैसे वाले हैं, सब चीजें हैं। तो ऐसे में एक इंसान जब ट्रेन से फेंका जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और यहीं से उनकी एक पर्सनैलिटी के अंदर टर्निंग पॉइंट आता है जब उन्हें काले गोरे के नाम पे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काले थे। तो इस फैक्ट को गांधी जी को पढ़ते हुए हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पर्सनैलिटी, ये जो सिस्टम है, ये अंबेडकर से जब भी आप इनका कंपैरिजन करेंगे, अंबेडकर से कंपैरिजन के टाइम पर ये फैक्ट हमेशा आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा, हमेशा सर पे, मतलब जिसे कहते हैं कि एक सर में दर्द करते हुए दिखाई देगा हर इंसान के, कि यार ये दोनों लड़के हो रहे हैं। और अगर आप इन दोनों को समझना चाहते हैं तो दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी अपब्रिंगिंग का, ये जहां पैदा हुए या जिस तरीके से पले बढ़े उसका।
तो इस चीज को अगर आप ढंग से समझ जाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। गांधी को समझना होगा तो इस तरीके से समझिएगा, और मैं यूपीएससी या किसी भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की बात कर रहा हूं, मैं इस लेवल पे बात नहीं कर रहा कि जो भी है। अब आप आगे आ जाइए, अब जब हम इसको फेज को बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गांधी जी 1893 के अंदर साउथ अफ्रीका जाते हैं। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती ट्रेडर था, और इनको फैक्ट्स को लिखते चले जाइए, गुजराती ट्रेडर थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, जब दादा अब्दुल्ला जो गुजराती ट्रेडर थे उनका केस लड़ने के लिए गए, और जब वो क्या नाम है स्टेशन मतलब ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट ली, और एक ऐसा लड़का जो इंडिया की अपर क्लास सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ, अपर क्लास में पला बढ़ा, सारी चीज़ें इसकी फर्स्ट क्लास लेवल की थी, लंदन के अंदर रहे, फर्राटे लंदन से उन्होंने लॉ पढ़ा, बैरिस्ट्री की, बैरिस्टर बने, और उसके बाद फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्किन कलर की वजह से उन्हें एक स्टेशन पर रात मतलब स्टेशन पर उठा के बाहर फेंक दिया जा मतलब ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काले थे। यहां से किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी जब चेंज होना शुरू होती है तब आपको आगे देखना होगा। तो यहां से उन्होंने जिस तरीके से, और यहां पहली बार जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो यहीं से पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, ये समझ लीजिएगा। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो यहीं से पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, और जब उनकी पर्सनैलिटी यहां से डेवलप होनी शुरू हुई दोस्तों, तो यहीं इसको पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट फेज होगा हमारा गांधी इन साउथ अफ्रीका, गांधी इन साउथ अफ्रीका। यहां असलियत में गांधी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, और जब हमें यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए एफर्ट करना है तो इसके आगे के फेजेस को हम कॉन्टिन्यूसली देखते चले जाएंगे। आज हम थोड़ा सा इस क्लास को छोटा ही रखेंगे क्योंकि हमारे कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी क्या कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, और वो बार बार बंद हो रहा है। कल तक मैं इसको थोड़ा ठीक करवा लेता हूँ या दूसरा कैमरा चेंज कर लेंगे, तो उसके बाद आपकी क्लास जो है वो प्रॉपर होगी, और हम पूरा इस सेशन को जितना भी है इसे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि असलियत में मामला क्या है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ वगैरह, तो आपको ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत मदद करने वाले हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास भी कोई काम नहीं, आज खाली बैठे हुए हैं भाई, लॉकडाउन के अंदर कुछ तो करें, तो आप भी इसी तरीके से, आप और हम दोनों जिस तरीके से काम करेंगे तो इस सीरीज़ को बहुत अच्छे लेवल पर चलाने की कोशिश करेंगे। और सुबह हमें 11 बजे आप लोगों के साथ आऊंगा, जीरो टू हीरो जो हमने अपने यूट्यूब के ऊपर सीरीज चालू कर रखी है उसको लेकर। आज थोड़ा सा डाउन है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हो रही हैं। बाकी हाँ, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ कल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और इसको प्रॉपरली हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।